आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं डॉक्टर ऋचा श्रीवास्तव होम्योपैथिक फिजिशियन एंड डाइटिशियन। फ्रेंड्स, बारिश का मौसम आ चुका है, रेनी सीजन जो है अभी स्टार्ट हो चुका है, बहुत जोरों शोरों से बारिश हो रही है। तो इस मौसम में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम सबको होती है, वो है फ्लू की समस्या, जिसे हम इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, या फिर आम भाषा में आप इसे वायरल फीवर, सर्दी जुकाम के नाम से भी जानते हैं। तो मौसम में करीब करीब सभी को ये प्रॉब्लम एक बार हो ही जाती है, और बच्चे जो हैं इससे ज़रूर सफ़र करते हैं। फ्रेंड्स, फ्लू होता क्या है? जैसे फ्लू या इन्फ्लुएंजा जो होता है, ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है, मीन्स की वायरल डिसीज़ होती है, और ये एक वायरस होता है जिसे हम इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं, उसके कारण होता है। और ये मोस्टली आपको रेनी सीजन में बहुत देखने को मिलेगा, इसके सिम्टम्स जो लोगों में देखने को मिलेंगे बारिश के मौसम में। ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक का एक इन्फेक्शन होता है, स्पेशली हमारी नोज़ का, थ्रोट का और माउथ का, मीन्स कि हमारे जो रेस्पिरेटरी के जो ऑर्गन्स हैं इनको ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है वायरस। अगर आपको फ्लू हो जाता है तो आपको आपके शरीर में क्या सिम्टम्स मिलेंगे वो जान लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको थोड़ी सी हरारत या फिर बॉडी पेन टाइप महसूस होगा, जुकाम और कोराइजा के सिम्टम्स मिलेंगे, आपकी रनी नोज देखने को मिलेगी, मीन्स आपकी नाक से पानी बहेगा, बहुत सारी छींकें आएंगी लगातार आपको, इसके साथ सर दर्द आपको रहेगा, बॉडी पेन रहेगा, आपके पूरे हाथों और पैरों में, शरीर में भी बहुत दर्द होगा, मसल्स में पेन होगा, आपके जॉ में पेन हो सकता है, आई में भी पेन हो सकता है, आपको बहुत टायर्डनेस, थकान, फटीग वाली फीलिंग आएगी, आपको सोर थ्रोट के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, मीन्स आपके गले में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, कुछ भी खाने पीने में, निगलने में दर्द होगा, तकलीफ होगी। साथ ही आपको तेज बुखार के लक्षण भी दिखाई देंगे, मीन्स बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, फिर एकदम से तेज फीवर आएगा, और ये सभी सिम्टम्स आपको काफ़ी दिनों तक देखने को मिलेंगे। जनरली जुकाम होता है तो 2 से 3 दिन में वो ठीक हो जाता है, बट अगर आपको फ्लू हुआ है तो आपको ये जो सिम्टम्स हैं ये काफ़ी दिनों तक शरीर में आपको मिलेंगे। कारण जानते हैं कैसे हो जाता है, तो जैसा मैंने बताया कि ये इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है, लेकिन ये वायरस हमें कैसे एंटर होता है बॉडी में, तो ये मेनली होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, मीन्स अगर कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है इस बीमारी से और वो अगर आपके आसपास है, मीन्स अगर वो खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, या आप बहुत क्लोजली उनसे बात कर रहे हो पास में, तो उनसे आपको इजीली ये ड्रॉपलेट के थ्रू ये आपके इन्फेक्शन आपके नोज से, माउथ से एंटर हो जाता है आपकी बॉडी में, और फिर ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को अफेक्ट करने लगता है, और आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। चलिए बात करते हैं कि अगर ये हो गया है तो अब कौन सी मेडिसिन इसमें आपको हेल्प पहुँचा सकती है। फ्रेंड्स, होम्योपैथी में इस कंडीशन को दूर करने के लिए बहुत सारी मेडिसिंस हैं, बहुत सारे पेटेंट भी हैं, तो आज मैं आपको जिस पेटेंट के बारे में जानकारी दे रही हूँ उसका नाम है फ्लूमिन एम MP3 ड्रॉप्स। ये देखिए, इस तरीके की ये मेडिसिन है, पेटेंट है ये, MP फार्मास्यूटिकल का प्रोडक्ट है ये स्पेशली फ्लू के लिए बनाया गया है। इसको लेते हो तो आपको आपके फ्लू के सिम्टम्स में आराम मिलेगा। कंपोजिशन क्या है इसमें वो जान लें। मेडिसिन में आपको एकोनाइट, स्पॉन्जिया, कोरेला, ब्रायोनिया एंड इपिटोरियम का कॉम्बिनेशन मिलेगा, जो इस मेडिसिन को इफेक्टिव बनाता है। इस मेडिसिन की अगर डोज की बात करते हैं तो आपको, अगर आप एक एडल्ट हैं तो आपको कम से कम इसकी 20 ड्रॉप लेनी है, आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार यूज़ करिए, और बच्चों के लिए 7 से 8 बूंद काफ़ी है इसकी, उसको भी आप इसे गुनगुने पानी में दीजिए दिन में 3 बार। तो इस तरीके से ये मेडिसिन आपके फ्लू के सिम्टम्स में आपको आराम दिलाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, एंड ये सब फ्री होता है एकदम। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में शेयर करिएगा, ताकि बहुत से लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।